Namaste. My name is Swati. Today we'll be talking about how to love unconditionally. For me to be able to love, कई बार ये लगता है सामने वाला प्यार करने लायक होगा तो फिर मैं प्यार कर पाऊंगी. बट प्यार करना अपने अंदर एक खूबी होती है. तो मेरे अंदर क्या होना पड़ेगा और क्या नहीं होना पड़ेगा ताकि मैं आपसे प्यार कर सकूँ. We'll first start with the don'ts in a personality if at all we were to love unconditionally. Before starting on that, why did I use the extra word unconditionally? The simple reason being ki expectations hum sabko hote hain, ख्वाहिशें, desires, the need for compatibility hum sab mein hota hai. Lekin iske beyond jaakar ek jo pyar kar pana hai, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा या कोई भी इनोसेंट चीज प्यार कर सकता है कि वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती. आप अगर उसको डांट भी दो तो थोड़ी देर के बाद में वो वापस आपके पास आ जाता है. सो वो अनकंडीशनल स्पेस या गट इंस्टिंक्ट के थ्रू ट्रस्ट कर पाने की एबिलिटी अपने अंदर वापस वॉलंटरली हम आगे जाकर कैसे ला सकते हैं, विल बी डिस्कसिंग अ लिटल ऑन दैट. सो स्टार्टिंग विद द डोंट्स इन द पर्सनैलिटी, पहली चीज जो मुझ में नहीं होनी चाहिए इज प्रेजुडिस. यानी बिना जानबूझ के, बिना जानकारी हासिल किए हम जो राय बना लेते हैं, हम जो एक धारणा बना लेते हैं, उसकी वजह से प्यार करने की एबिलिटी एकदम क्षीण हो जाती है. सो इफ आई डिसाइड कि वेस्टर्न लोग ऐसे होते हैं, ईस्टर्न लोग ऐसे होते हैं, वेस्टर्न अच्छे होते हैं, ईस्टर्न बुरे होते हैं, या ईस्टर्न अच्छे होते हैं, वेस्टर्न बुरे होते हैं, या औरतें इस तरह की होती हैं, तो एक बहुत छोटी सी पुरानी कहानी है उससे शुरुआत करते हैं. एक बार एक राजा के मन में आई कि नारद जी और सुखदेव जी के बीच में दोनों में से ज़्यादा बड़े संत कौन हैं, इसके बारे में जानना होता है. तो रानी बोलती है ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए. तो रानी वहाँ पे एक बहुत बड़े बगीचे के अंदर एक ही तीन सीट का झूला लगा होता है, वो वहाँ पे उन लोगों का सम्मान करवाती है, वहाँ पे बुलाकर उन लोगों को बिठवाती है. तो एक किनारे सुखदेव जी बैठ जाते हैं, एक किनारे नारद जी बैठ जाते हैं, एंड बीच वाली सीट खाली होती है. तो जो रानी होती है वो बहुत सज धज कर आकर उन दोनों के बीच बैठ जाती है. जैसे ही वो रानी बीच बैठती है, नारद जी उठकर थोड़ा जाकर दूर खड़े हो जाते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी औरत के इतने समीप किस तरीके से बैठता हूँ. लेकिन सुखदेव जी जो होते हैं वो उनका ग्रीटिंग्स करके, उनका आदर करके, फिर वो वहीं बैठे बैठे उनसे बात करने लगते हैं. तो बाद में रानी राजा से कहती है कि सुखदेव जी नारद जी से भी बड़े मुनि हैं, क्योंकि एक समभाव जो होता है, मैं औरत के बीच बाजू में बैठा हूँ कि आदमी के बाजू में बैठा हूँ, बच्चे के बाजू में बैठा हूँ कि बूढ़े के बाजू में बैठा हूँ, किसी गरीब के बाजू में बैठा हूँ या अमीर के बाजू में बैठा हूँ, वो भाव नहीं आकर समभाव से किसी चीज को देख पाना वो बहुत जरूरी होता है ताकि हम किसी का आदर कर सकें. तो प्रेजुडिस नहीं होना, कोई भी इस तरह की धारणा नहीं होना जहाँ पे किसी भी तरह के व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए हमारे मन में तिरस्कार की भावना आ जाए. दैट इज द फर्स्ट थिंग जो नहीं होना चाहिए. वी शुडंट हैव प्रेजुडिस. सेकेंड थिंग जो प्यार करने के लिए बहुत ही नुकसानकारी है इज द फीलिंग ऑफ डिसगस्ट, किसी भी चीज से घिन आना. तो किसी बीमार व्यक्ति को देखकर घिन आ जाना, या ठीक है और भी वो लेते हैं तो एकदम ही कचरे की टोकरी को देखकर ही घिन आ जाना और एक बहुत ज़्यादा तिरस्कार की भावना मन में आ जाना. तो घिन की भावना जितनी ज़्यादा हमारे मन में होगी किसी भी चीज के प्रति लेकर, तो फिर हमारे प्यार करने की क्षमता के ऊपर एक तरीके की चोट पहुंचती है और हम वो प्यार नहीं कर पाते. क्योंकि चार चीज़ों के प्रति घिन हो तो उसी में इतना ज़्यादा, तो जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बदबू है तो उसमें आप कितनी अगरबत्ती जला लीजिए वो खुशबू मर जाती है, उसी तरीके से घिन के अंदर प्यार की भावना काफ़ी नुकसान पाती है. तीसरा, जो एक इंसान को अपने ही आप से बैटल करना होता है ताकि वो प्यार कर सके, वो है ईगो. जितना ज़्यादा हमारे अंदर एक ईगो की भावना होगी कि मैं हूँ, तो एक होता है सम्मान होना, स्वाभिमान होता, एक होता है अभिमान होना और एक आई एम सेल्फ मेड, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट. जितना वो अहंकार की भावना होगी
उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर प्यार करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे, रावण एक बहुत ही जाने माने भक्त थे, शिव भक्ति में तो उनका बहुत बड़ा नाम लिया जाता है। तो वो जिस तरीके से शिव भक्ति कर पाते थे, तो उतना शिव भक्त के नामों में और नाम काफ़ी कम आते हैं। लेकिन जहाँ रावण का ख़त्म होने का वक्त आया, जब एक सेंस ऑफ अहंकार मन में आ गया कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझसे तो बड़ा और कोई नहीं हो सकता, तो जैसे ही मन में ये अहम आता है, हमारा अहम ही हमारे अंदर के प्यार को ख़त्म कर देता है, क्योंकि स्वयं के प्रति भी प्यार नहीं रहता, एक तरह का घमंड आके वो नेगेटिव एनर्जी के अंदर अपने अंदर तब्दील हो जाता है। तो जितना ज़्यादा मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उतना मेरी एबिलिटी कि मैं किसी और से प्यार करूं वो कम होता जाएगा। तो ये चीज़ें मेरी पर्सनालिटी में नहीं होनी चाहिए फॉर मी टू बी एबल टू लव। अब मेरी पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए फॉर मी टू बी एबल टू लव? तो पहली चीज़ जो मेरी पर्सनालिटी में होनी चाहिए इज सेल्फ अवेयरनेस। अगेन एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। मैंने मन्नाडे जी का एक इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने एक बहुत ही अहम क्लासिकल गाना गाया था फिल्म बसंत बहार में, जिसमें उन्होंने वो गाना भीमसेन जोशी जी के साथ गाया था। अब पंडित भीमसेन जोशी उस वक्त बहुत जाने पहचाने गायक थे, एंड उनके अगेंस्ट में मन्नाडे जी को गाना गाना था, एंड वो भी फिल्म में सीन ऐसा था कि जीतना मन्नाडे जी को था एंड में। तो उनका इंटरव्यू जब सुना तो उन्होंने बोला कि जब उनको पता चला कि उनको भीमसेन जोशी के साथ जुगलबंदी में गाना है, तो वो घर जाके अपनी बीवी को बोले, अपन लोग बिना बताए पूना चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं, तब तक ये फिल्म बन चुकेगी तो फिर अपन लोग वापस आ जाएंगे। सो ये जानना कि आपसे भी बेहतर बहुत लोग हैं, ये जानना कि आप तो हैं अच्छे हैं, तो अपने आप को नीचे गिराने की बात नहीं है, लेकिन सामने वाले की खूबी में एक और लेवल बढ़ाकर अपने आप को उस संदर्भ में देख पाना। एक पुराने लेक्चर में जिसमें मैंने बात किया था कि लता मंगेशकर इज़ अ पॉपुलर हाउस होल्ड नेम, लेकिन मेरे म्यूजिक गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि लता मंगेशकर को सब सुनते हैं, लेकिन लता मंगेशकर के घर में किसका कैसेट बजता है वो जानकर जब तुम और आगे बढ़ोगे तो फिर उसको सीखना बोलते हैं। तो केवल कि हाँ मुझे क्योंकि पॉपुलर नाम पता है, उन नामों में अटक के रह जाने में ज़रूरी नहीं है कि तुम कभी भी कोई संगीत सीख पाओगे। तो वो हमेशा एक लेवल अपने ऊपर देख पाना। तो वो जो हम बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो सोच में हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना, उससे हमारे प्यार करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि उसमें सही तरह की भूख हमारे अंदर बढ़ने लगती है। तो सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत अपने खूबियों और कमियों को जानना, एंड अपने बेहतर लोगों को हमेशा पहचान में और नज़र में रखना, ये पहली ज़रूरत होती है ताकि हम प्यार कर सकें। दूसरी ज़रूरत जो होती है उसको हम कहते हैं सेल्फ लव। अगेन अहंकार और प्यार के बीच का फर्क हम थोड़ा सा देखें। अपने आप से प्यार करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को भूल कर किसी और की सेवा करना, वो अगर हम लोग एक परमानेंट आदत बना लेते हैं तो नुकसान ये होने वाला है। आप सेहतमंद रहेंगे तब आप किसी और की सेवा कर सकते हैं, आप ही बीमार बने रहेंगे और आपकी बीमारी में आप सामने वाले की सेवा करते रहेंगे, तो बहुत दूर दिन नहीं है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि सामने वाला आपकी सेवा करे। तो वो थोड़ा अपनी तरफ तवज्जो होना, अपने खान पान की तरफ, अपने मन की तरफ, अपनी भावनाओं की तरफ, अपनी क्लैरिटी की तरफ, अपनी इच्छाओं की तरफ, ये थोड़ा नज़र होकर अपने आप को भी प्रायोरिटी देना इस ज़िंदगी के इतने भीड़ भरे काम में, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कई हाउसवाइफ्स कहाँ मार खा जाती हैं कि वो हमेशा किसी और को क्या खाना है, किसी और की क्या इच्छा है, उसी में बनी रहती हैं, कई बार वो खुद क्या खाना चाहती हैं वो उनको रियलाइज़ भी नहीं होता है कितना पीछे छूट जाता है। सो कुछ सब्जियां होती हैं जो परिवार में कोई नहीं खाता, तो वो औरत बनाना बंद कर देती है। This leads to take them for granted. Right. तो बाकी के परिवार के लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं, प्लस आप अपने आप को जो ग्रांटेड लेने लगते हैं,
इसमें कि औरों की नीड्स को हमेशा अपने आगे रखते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज फिर कहीं ना कहीं मन में एक सेंस ऑफ अभाव, कहीं एक सेंस में सेंस ऑफ रिजेंटमेंट, कहीं एक सेंस ऑफ मैं खुश नहीं हूँ, वो फीलिंग आने लगती है। एंड अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं कुछ भी करके आपको खुशी नहीं दे सकती। तो कई लोग ये जो बोलते हैं मेरा बच्चा इस लेवल पे आ जाएगा तो फिर मैं अपने मन की चीजें करूंगी, मेरा हस्बैंड इतना स्टेबल हो जाएगा तो मैं अपने मन की चीजें करूंगी, वर्स स्टिल मेरे सास ससुर मर जाएंगे तो फिर मुझे फ्रीडम मिलेगा तो फिर मैं वो चीजें करूंगी। तो आप प्यार कैसे कर पाएंगे अगर आप कोई चीज खत्म होने की इच्छा कर रहे हैं? तो सारी चीजें चलती रहे उसके बावजूद जब मैं अपने आप को प्यार कर पाती हूँ, दैट सेल्फ लव बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि मैं प्यार कर पाऊँ। द नेक्स्ट क्वालिटी जो हमें चाहिए कि हम प्यार कर सकें इज इनोसेंस। अगर दिमाग कंटिन्यूसली एक पॉलिटिकल गेम के अंदर लगा रहता है कि इसने मुझे ऐसा बोला तो मैं ऐसा बोलूंगी, इसने मुझे ऐसा बोला तो ऐसा बोलूंगी, वो अगर मेरे घर में आया तो मैं तो अपना कमरा बंद करके बैठ जाऊंगी, जितना ज़्यादा दिमाग अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देखता है ऑटोमेटिकली मेरे प्यार करने की एबिलिटी में कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि प्यार दिल की भावना की बात होती है एंड जो भी हम रिश्ते बनाने या निभाने की कोशिश करते हैं वो दिमाग से बनते हैं। तो जितना दिमाग मेरे रिश्तों के अंदर आएगा, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें डम्ब हो जाना, डम्ब और इनोसेंट होने में बहुत फर्क होता है, एक सेंस ऑफ इनोसेंस लाना है, इन द सेंस कि सामने वाले ने अगर कुछ गलत बोल भी दिया आपने उसको टॉन्ट के जैसे नहीं लिया तो सामने वाला 2 बार टॉन्ट मारेगा, 4 बार टॉन्ट मारेगा, 10 बार टॉन्ट मारेगा, लेकिन उसको लगता है कि आपको असर ही नहीं पड़ता है, आपका उनके प्रति व्यवहार से भी उतना ही वेलकमिंग है एंड जिसमें मैलिस नहीं है, नाटक नहीं है, आप फिर भी उनको ये बोलते हो क्या दीदी जाने दो ना आप भी कैसी बातें करते हो, इंस्टेड ऑफ पता है वो तो मेरे बारे में ऐसा बोलती है, वो तो घर आती है तो मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, तो ये भाव नहीं हो के उसी वक्त क्या दीदी आप क्या मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, या समथिंग बहुत सिंपल बोल देना, सामने वाले को भी आपको छेड़ने में इतना मज़ा नहीं आएगा, अगर आप चिढ़ते ही नहीं तो चिढ़ाते हम किसको हैं जो चिढ़ता है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा वो ठहराव आ जाता है कि आप चिढ़ते नहीं हैं, कि आप बहुत जल्दी ऑफेंड या हर्ट नहीं हो जाते हैं, तो फिर आप प्यार और ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो ये अगेन म्यूज़िक में ऑफकोर्स सीखा है बट अदरवाइज भी यूजुअली हम जब सोचते हैं तो हम बात करते हैं कि दो ही तरह के लोग 100% कर सकते हैं, एक जो एकदम अनाड़ी हो, तो म्यूज़िक में किस तरीके से सीखा हुआ है कि जिनको गाना वगैरह आता नहीं है, जिनको स्पेलिंग करना नहीं आता कि सारे गामा पद नहीं कैसे होता है, तो कोई गाना गा लिया आपने, गाना सुन सुन के गा लिया, हाउ विल यू ब्रेक इट इनटू द सारे गामा पद नहीं, वो उनको नहीं पता होता है कि आपको शार्प नोट्स लगाने हैं या कोमल लगाने हैं, वो फ़र्क नहीं पता होता है, आप कौन से सुर से शुरू कर रहे हैं, आप सा से शुरू कर रहे हैं या पा से शुरू कर रहे हैं, वो नहीं पता होता है, उन्होंने केवल रेडियो पे वो गाना बहुत बार सुना और बहुत बार सुना करके साथ साथ गा लिया, तो उनको पता भी नहीं चलता है उनके सुर में ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, वो अच्छा इमिटेट कर पाते हैं और लोग ताली बजा देते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि मेरा तो गाना बहुत अच्छा है। तो एक तो वो लोग 100% गा पाते हैं क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं आती, दे आर हैप्पी। दूसरा वो लोग गा पाते हैं अच्छा जो बहुत अच्छा सीख चुके होते हैं, अब उनको अपने सुरताल पे पकड़ होती है, उनको अपने वोकल कॉर्ड्स पे पूरी तरीके से एक पकड़ होती है, उनको पता होता है कि आज मेरा शरीर कितना साथ दे रहा है, तो आज मुझे ऊंचे वाले सुर ज़्यादा गाने हैं या थोड़ा नीचे उतर के गाना है, क्योंकि अगर मैं बहुत ग्रुप में चली गई और बॉडी ने साथ नहीं दिया तो उस रात का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो अपने शरीर का उस दिन किस तरीके का स्टेबिलिटी है तो उस हिसाब से मुझे कैसे गाना है, तो ये सारी चीज़ें समझने वाला व्यक्ति फिर 100% गा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी अपनी कमियाँ समझने लगा है लेकिन उनको ठीक कैसे करें वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो वो व्यक्ति फिर बहुत अच्छे से नहीं गा सकता। तो इनोसेंट हो जाने का मतलब क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिसेप्शन रहना, ह्यूमिलिटी रहना
कि आपको अगर बहुत आ गया है तो भी उसकी वजह से एक सेंस ऑफ ईगो नहीं आया। आप कभी भी हिमालय के पास जाकर खड़े हो जाइए, अगर आप कभी कोई हिमालयन ट्रैक कभी अगर करते हैं, जस्ट वहाँ से खड़े होकर आप पहाड़ देखेंगे ना, अपने आप एक हम्बलनेस अंदर आ जाएगा कि मैं कुछ हूँ, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैजेस्टिक वे जिस तरीके से वो ऊपर तक उठा हुआ रहता है। तो वो इनसेंस ऑफ दैट हम्बलनेस की मुझे सब आता है, वो भाव नहीं होना, एक अवेयरनेस कि फाइनली मैं एक छोटा सा जीव हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, तो वो सेल्फ लव होना लेकिन ब्लोटेड ईगो नहीं होना, वो हम्बलनेस वो इनोसेंस होना, दैट क्वालिटी इज अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी एबल टू लव। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी टू बी एबल टू लव इज बीइंग अ गुड स्टूडेंट। जिंदगी भर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ बना रहता है। तो ये मैंने एक विवेकानंद की कहानी सुनी थी कि विवेकानंद किसी गांव से गुजर रहे थे तो वहाँ पे उनके लिए एक भजन संध्या का आयोजन किया था। तो एक औरत ने बहुत खूबसूरती से भजन गाया जो विवेकानंद जी के दिल को बहुत छू गया, लेकिन बाद में जब पहचान कराई गई तो पता चला कि वो उस गांव में वेश्या के रूप में रहती है। तो ये सुनकर विवेकानंद जी बहुत आहत हो गए, बोले कि तुम लोगों ने अपमान किया मेरा, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो फिर वो वेश्या बोले कि तब तो फिर आपने भगवान का स्मरण किया ही नहीं, अगर मेरे वेश्या होने से आपका भाव बदल गया, आपको भजन तो बहुत खूबसूरत लगा पर मेरे पता चलते ही आपका भाव बदल गया, तब तो आप भगवान में लीन हुए ही नहीं। तो वो एक लीन हो पाना, एक स्टूडेंट हो पाना इवन टू अ सिचुएशन लाइक दिस। तो विवेकानंद जी ने उनसे माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मेरी गलती है, मेरा थोड़ा सा ईगो आ गया था कि मैंने इस तरीके से समाज को देखने की कोशिश की। सो एक स्टूडेंट हो पाना किसी भी दायरे में किसी भी रूप को लेकर, कि एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ सिखा सके। वेरी सिंपल थिंग, जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि उसको दूध पीना आता है, तुम्हें दूध पिलाना सीखना पड़ेगा। सो बच्चे को बच्चा होना आता है लेकिन उस बच्चे के माँ बाप कैसे होना, ये हमें उस बच्चे को देख देख कर सीखना पड़ता है कि अभी वो रो रहा है तो उसकी क्या ज़रूरत है, अभी वो जिद कर रहा है तो क्यों जिद कर रहा है, उसका जिद करके ट्रेन करके एकदम मार कूट के एकदम कुत्ते के जैसे ऐसा ट्रेंड नहीं बनाना है। बच्चे की जो मन है जो इच्छाएं हैं, वो कई बार पेट दुख रहा है इस वजह से चिड़चिड़ करता है, आपको उसको डांटना फटकारना नहीं है, उसको केवल गोदी में लेकर सहलाना है। कई बार बच्चे कोई चीज मांगने के लिए दुकान के अंदर ऐसे ही बैठ जाते हैं, उस वक्त उसको मार के कोई फायदा नहीं है, समझा के भी कोई फायदा नहीं है, आपको उसको केवल गोदी उठा के घर लाना है, बोलना बेटा ऐसे तो अपन नहीं कर सकते। आप 4-5-10 बार बच्चे को दुकान से घर वापस ले आएंगे इंस्टेड ऑफ 5 मिनट रोने के बाद, 15 मिनट रोने के बाद, 25 मिनट रोने के बाद फाइनली वो चीज दे देंगे, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली पता चलता है कि इस तरीके से जिद नहीं करनी है। या आप बच्चे के हाथ में पहले से ही एक 10 का नोट पकड़ा देंगे और बोलेंगे आप अंकल से पूछ लो इसमें क्या चीज आती है, फिर आप डिसाइड कर लो आपको क्या लेना है। तो आप पॉजिटिवली उस चीज को लेकर जब चलते हैं तो बच्चा अपने रिस्पॉन्सेस से ऑटोमेटिकली आपको सिखा देता है कि आप सही तरीके की पेरेंटिंग पे जा रहे हैं या आप गलत तरीके की पेरेंटिंग पे जा रहे हैं। कई बार अगर बच्चे को देखकर नहीं समझ में आता है तो सोसाइटी का बच्चे को रिएक्शंस देखकर समझ में आ जाता है कि यार इसका बच्चा तो बहुत मारता है, तो आपको थोड़ा सा देखना है कि क्या चल रहा है हमारे घर में, पेरेंटिंग में हम थोड़ा ज़्यादा सख्त तो नहीं हो रहे हैं कि हम उसको डांटते मारते हैं तो बच्चा आगे जाके डांटता मारता, प्यार किए हुए बच्चे तो डांटते मारते नहीं हैं। अब यहाँ पर लाड़ और प्यार का फर्क होता है, तो लाड़ किए हुए बच्चे की उसका कुछ भी करा चलता है कि वो बच्चे ने पापा को भी एक मार लिया तो बोले अरे बच्चा है मारता है चलता है, तो फिर वो नहीं चलेगा, नहीं बेटा मारते तो नहीं, आपको क्या चाहिए आप थोड़ा शांत होके हमें बताइएगा। सो ये जो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं टू बी रेडी टू लर्न, कि हम एक बच्चे से भी सीख सकते हैं कि
सामने कई बार कोई अनजान व्यक्ति ही कोई ऐसी भी बात बोल जाता है कि हमें क्लिक हो जाता है, अरे वाह हाँ आई थिंक दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। कई बार आप कोई किताब का पन्ना खोलते हैं और आप किसी चीज को लेकर बेचैन हैं, उस किताब के पन्ने के ऊपर ही जो लिखा हुआ होता है आपको एक ट्यूबलाइट हो जाती है सेइंग ओह दिस इज वर्किंग फॉर मी वेरी वेल। सो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होना rather than coming back and saying that I am an expert all the time. I might be an expert in one subject, but baki subjects mein there are other people who are expert. So wo seekhne ka openness bani rehna, automatically mere pyar karne ki ability uski wajah se badh jati. And not to take away from the fact ki ek acha self-esteem hona, ki मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। तो जब आप आईने के सामने खड़े हो, वो जो सामने व्यक्ति आपको दिखता है आईने में, वो अगर आपको ही पसंद नहीं है तो आप किसी और को तो क्या पसंद करवा लेंगे। तो न तो ओवर कॉन्फिडेंस हो कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है आप आईने में देखे तक, एंड न ऐसा हो यार मैं तो अच्छी नहीं लगती या नो आई डोंट लाइक दिस पर्सन इन द मिरर। अगर अंडर कॉन्फिडेंस है तो भी आपके प्यार करने की एबिलिटी में फर्क आ जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना होके, अंडर कॉन्फिडेंस ना होके, एक अच्छा अपने आप को पसंद करने की क्षमता होना, उससे भी हम प्यार कर पाते हैं। तो हमारे पर्सनालिटी के ये डूज और डोंट्स हुए फॉर अस टू बी एबल टू लव। अब ये जमीन तैयार हो जाने के बाद हम प्यार किस तरीके से किसी से कर पाते हैं। तो आई डोंट थिंक प्यार का कोई डेफिनेशन होता है, फिर भी थोड़ा उस शब्द के साथ खेलते हैं कि प्यार करना यानी क्या। तो कभी भी मन में एक पॉजिटिव भाव होना, थोड़ा गुदगुदा देने वाला भाव होना, थोड़ा सा आप देखो तो मन में ऑटोमेटिकली एक प्रफुल्लता फील होना, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाना उस व्यक्ति को देखकर, उस चीज़ को देखकर, तो उसको प्यार करना बनता है। तब थोड़ा अगर आँखें खोल के देखेंगे, वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशंस के अंदर आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखिए, वो थोड़ा उड़कता पुड़कता, वो सीधा चल भी नहीं सकता है, कभी इधर गिरता है, वो बॉल को मारता है तो बॉल तो आगे नहीं जाता, वो खुद पीछे जाके गिरता है। आई मीन आपको कैसे प्यार नहीं हो सकता उस चीज को देखिए। आप किसी भी पार्क में बैठ के सिर्फ बच्चों को खेलते हुए देखिए, ऑटोमेटिकली बच्चों को देख कर उस पर जो भाव मन में आया वो प्यार। आप अगर थोड़ा साइलेंस के साथ नेचर में बैठते हैं, कोई फूल खिलता हुआ देखकर, कभी कोई तितली उड़ती हुई देखकर, आप छोटे बच्चे को देखिए कितना खुश हो जाते हैं, एक तितली आ जाती है, एक चिड़िया उनके आसपास आके बैठ जाती है। जैसे हमें याद है जब हम बच्चे थे तो एक मंदिर था जहाँ दादाजी दादी जी लेकर जाते थे, जहाँ ज्वार खरीद के कबूतरों को ज्वार डालते थे, एंड यू वर परमिटेड टू गो वेरी क्लोज वहाँ पे। तो आप कबूतरों के बीच जाके उनको ज्वार खिला रहे हैं, तो उस वक्त जो फड़फड़ाहट होती है, उस वक्त जो वो कबूतर आपके पास डरते नहीं हैं और आपके आसपास ही बैठे रहते हैं, वो देखकर जो कर मन के अंदर खुशी आती है वो प्यार होता है। आपका बच्चा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, वो हार रहा है जीत रहा है हीरो बना है जो भी बना है। आप देखिए केजी के बच्चों के पेरेंट्स जब आते हैं प्रोग्राम्स देखने, आधा टाइम तो उनके बच्चे स्टेज पर खड़े कर रो रहे थे, लेकिन अपने बच्चे को वो स्टेज पे देखे, उस कॉस्ट्यूम में देखे, आपके मन के अंदर वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग अजीब सा भाव आता है, वो प्यार होता है। एक दादी जब बैठ के आपको कहानियाँ सुना रही होती है, वो थोड़ा सा प्यार होता है। जैसे आजकल मेरी बेटी काफ़ी बोल रही है, अगर इंडियन दादियों को खड़ा कर देना पूरा ऐसा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलते हैं कि बेटा कोकोनट ऑयल लगा लो ठीक हो जाएगा, या इसके ऊपर हल्दी लगा लो तो ठीक हो जाएगा, या हल्दी का दूध बना के पिला देती है बोले ठीक हो जाएगा। बड़ी आधी दवाइयाँ और आधी कोई भी कॉस्मेटिक चीजें घर में नहीं आती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें करके दादी नानियाँ वो घर के अंदर ही आपको संभाल लेती है। तो मुझे एक दादी की कहानी होती है, वो जो एक नानी का लाड होता है, वो जो आपके पसंद का खाना बनाने के लिए वो इतने बुढ़ापे में भी वहाँ पे स्टैंड पे खड़े होके जब आप उनसे मिलने जाते हैं, वो जो वहाँ खड़े होके आपके लिए बनाती हैं, वो जो प्यार होता है। तो वो जो भाव होता है जो आप सामने वाले के लिए ड्यूटी समझ के नहीं, बस करना चाहते हैं, करना पसंद करते हैं, इसके लिए आप जो वो सामने वाले के लिए करते हैं,
उस चीज को हम लोग प्यार। अब ये प्यार मैं कर कैसे पाऊंगी? तो सबसे पहले हमारी जो एक फाइट होती है वो इंटरनल पीस के साथ होती है। मेरा मन जितना शांत होगा, जितना सिक्योर होगा, उतना ज़्यादा प्यार करना इजी होता है। तो जैसे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार दादा दादी नाना नानी क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी एक थोड़ी ख़त्म हो जाती है, इन द सेंस कि अब उनको ये नहीं देखना है कि घर के सारे बिल्स पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब उनको ये नहीं देखना है कि दिन में 3 टाइम का खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है। उनको ये नहीं देखना है कि मेड आई है या नहीं आई है या बहू को ये करना है या जो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नेक्स्ट जनरेशन को दे दी है। एंड उसके बाद में वो जब निश्चिंत बैठते हैं बच्चों के साथ, तो वो जब कर पाते हैं तो वो जो प्यार होता है वो काफ़ी अनकंडीशनल होता है। तो माँ बाप को फिर भी ये ज़रूरत रहेगी, ये जिद रहेगी कि कितने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, कल को बाहर की दुनिया में ये बच्चा खड़ा हो पाएगा या नहीं खड़ा हो पाएगा। ये जो इनसिक्योरिटी रहती है उसमें माँ बाप का प्यार बच्चे तक पहुँचने की जगह चिंता पहुँचती है। एंड चिंता क्या होता है कि आपका मिठाई का तो डब्बा है, बहुत अच्छी मिठाई है, लेकिन उसके ऊपर आपने एक लेयर मिट्टी डाल दी एंड फिर किसी को खाने को दिया, तो कोई कैसे खा पाएगा? तो प्यार और चिंता का वही रिश्ता होता है। तो माँ बाप को कई बार जो लगता है, अरे हम इसके बारे में इतनी चिंता करते हैं, ये कल को जाके क्या करेगा, पता है हम उसके बारे में कितना सोचते हैं, ये जो वो सोच रहे हैं ये वो मिट्टी है, ये उनका प्यार नहीं है। वो प्यार बच्चे तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि प्यार तो करते हैं माँ बाप, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन वो जो चिंता करते हैं वो उस मिट्टी के जैसी है जो मिठाई के ऊपर गिरी। तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कई बार क्या हो जाता है, प्यार करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब उनको वो चिंता नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा बेटा, कि मम्मी ने डांट दिया कोई बात नहीं, आ जा मेरे पास बैठ जा। वो ऐसा नहीं है कि मम्मी को डिमीन कर रहे, तेरी माँ तो ऐसी ही है, डांटती रहती है। ऐसे अगर दादा दादी नाना नानी हो तो प्रॉब्लम है, उस घर में प्यार कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस घर में शांति नहीं है। सो हाउ टू लव अनकंडीशनली, पहले मैं अपने अंदर एक सेंस ऑफ शांति लेता, अपने माहौल में एक शांति महसूस कर सकता। सो एक और कहानी है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने सुनाई थी, केरला के किसी मंदिर में एक्चुअली हुआ था। उस मंदिर के अंदर ऑडिट हो रहा था और हर पुजारी को उसके ड्यूटीज के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से राइस की बोरियां मिलने वाली थी। तो गवर्नमेंट ऑफिसर गया, उसने बोला अच्छा ठीक है, इसको 2 बोरी, ठीक है इसका ये काम है, ये इसका ये काम है, इसको 4 बोरी, इसका ये काम है, इसका ये। वहाँ पे फिर एक पंडित था जिसका काम सिर्फ इतना था कि दरवाज़ा खुलने से पहले आकर वो मंदिर के सामने बैठे, मतलब जो देवालय है उसके सामने बैठे, एंड पाठ बंद होने तक सिर्फ वहीं बैठा रहे। उसको कुछ बोलना नहीं होता था, कुछ करना नहीं होता था, सिर्फ वहाँ पे आकर बैठा रहे। अब गवर्नमेंट ऑफिसर को ये बात हजम नहीं, बोले कुछ भी तो नहीं करता, सिर्फ बैठा ही तो रहता है, बैठे रहने, एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा बोरियों की मांग हुई थी। बोले सिर्फ बैठे रहने के लिए इतना सारा बोरी तो नहीं होता, उससे तो वो आदमी ज़्यादा काम करता है, उससे तो वो आदमी ज़्यादा काम करता है। तो ये पंडित बोले ठीक है एक काम कीजिए, एक ही दिन आप मेरा काम करके देखिए। तो गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ पर बैठा, 5 मिनट, 10 मिनट, घड़ी देख रहा है, फिर अरे वो ऐसा क्यों कर रहा है, अरे वो उधर से क्यों नहीं जा रहा है, अरे वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो इतना बेचैन हो गया आधे घंटे के अंदर। तो वो बोला नहीं आपका काम सच में बहुत डिफिकल्ट है, टू बी सिटिंग 4-5 आवर्स एट अ स्ट्रेच इन अ शांत वे, कि आप वो एक्सेस है, एक्सेस अगर हिलता है तो सब हिल जाता है। तो वो जो व्यक्ति है उसका काम ये नहीं होता है कि सबकी गलतियां गिनाए और सबको ठीक काम करने को बोले, उसका काम सिर्फ ऐसा होता है कि वो वहाँ बैठा है करके, क्योंकि उसकी नज़र है नॉट एज अ पुलिसमैन, जस्ट वो है, ऑटोमेटिकली आसपास के सारे काम बहुत खूबसूरत से होते रहते हैं। तो वो इतनी शांति जब हम अपने अंदर ला पाए कि आप अपने आसपास जो चल रहा है उस चीज को केवल ऑब्जर्व कर पाए, तो अपने आप प्यार करना बहुत आसान है, क्योंकि आपके मन में कोई बेचैनी नहीं है, यू आर नॉट ट्राइंग टू करेक्ट द रॉन्ग, यू आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग, यू आर जस्ट इन पीस। अब ऐसे में कई बार लोग बोलते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तब क्या,
अगर आपके आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो यस आपको टोकना है, लेकिन किसी से अगर पानी का घड़ा गिर गया वो कोई इतना गलत नहीं हो गया कि आपको अपने अंदर की शांति खोनी है। कोई किसी को मार रहा है, यस आपको उस वक्त खड़े होना है और उस व्यक्ति को रोकना है, लेकिन कुछ गिर गया किसी के हाथ से, कोई अगर 5 मिनट के लिए बैठ गया बीच में, कोई अगर नहीं कर पा रहा, आज बीमार है और आज काम पे नहीं आया है, तो इतना कोई गलत नहीं हो गया कि आपको अपनी शांति भंग कर कर वहाँ पे उस चीज को रोकना है। अब यहाँ पे एक कहानी और आ जाती है उससे भी आगे जाके कि जो रिलीजियस रूल्स बनते हैं वो कोई ना कोई कारण से बनते हैं, बट वो रूल इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, उनका अपना एक मोरालिटी होता है। तो बुद्ध की एक कहानी है, अगेन बुद्ध मंक्स औरतों को हाथ नहीं लगाते। तो एक बार दो स्टूडेंट मंक्स कहीं से जा रहे थे, एक बूढ़ी लेडी वहाँ पे बैठी थी, तो उसने आवाज़ लगाई तो उसने पूछा क्या चाहिए माता जी, तो बोले बेटा मुझे ये नदी पार करवा दे, मुझसे नहीं हो रही है। तो फिर एक स्टूडेंट ने उसको उठा लिया और नदी पार कर ली। अब उसके सामने तो वो दूसरा स्टूडेंट कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही ये बूढ़ी माँ को इस मंक ने छोड़ा, उसने चालू किया, अपने हाथ नहीं लगाते हैं, तेरा तो पाप हो गया, तुझे तो ये करना पड़ेगा, अब तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। फिर वो जाके बुद्ध से बोला कि इसने तो औरत को हाथ लगा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो बुद्ध बड़ा शांत थे, वो बोले कि अच्छा उसने उस औरत को उठाया, फिर उसने क्या किया, बोले उसने उसको नदी के पास छोड़ दिया। तो बुद्ध बोले तो तू क्यों अभी तक सर पे उसको उठा के घूम रहा है। सो दिस थिंग टू कम बैक एंड से कि कई बार आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होती है रूल्स के बियॉन्ड जाकर, जो आपका मन गवाही देता है आप उसको अपनी मोरालिटी में सही समझते हैं और वो करते हैं। डज नॉट मीन कि यू आर ब्रेकिंग द मॉरल कोड कि अब आपको बेचैन हो जाने की जरूरत है। आपने वो किया, आपने किया और उस काम के परे आप वहां से चले गए। तो वो एक शांति मन में बनी रहना, इतनी शांति जिस व्यक्ति के मन में होती है वो एकदम अनकंडीशनली प्यार करता है। सेकंड, जो भी लोग ड्यूटी समझकर कोई भी काम करते हैं वहां प्यार की थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि वो श्रद्धा और प्यार से नहीं होकर एक इंटेलेक्चुअल स्पेस से हो रहा है कि ये आई हैव टू डू इट। तो जब भी आपको कोई चीज़ एक मजबूरी लगती है या मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, वो भाव जब मन में आता है तो फिर प्यार करना और मुश्किल हो जाता है। कोई भी कर सकता है, कोई करे इसे मैं ही कर लेती हूँ। दैट ईज टू बी विलिंग टू पुट योर सेल्फ फॉरवर्ड। तो अगर आप देखेंगे जॉब करने वालों से भी वॉलंटियर्स को क्यों महान समझा जाता है, क्योंकि इन रिटर्न वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं टू बी डूइंग दैट सर्विस। So the ability to be able to do something without a return, वो जब हम कर पाते हैं तो फिर उसको प्यार करना होता है। अब ऐसे में आएगा हम तो बुद्धा नहीं हैं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हम थोड़े ना इस तरीके से प्यार कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने घर के तो आप खुद बुद्ध हैं। अपने घर की शांति की जिम्मेदारी तो एक इंसान खुद ले सकता है कि ठीक है आपके घर में सपोज मान लो एक व्यक्ति है जो इतना बेचैन है कि बहुत लड़ता है। नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मैंने ये नहीं बोला कि वो व्यक्ति लड़ाकू है, वो इतना बेचैन है कि वो लड़ता है, राइट। सो कोई भी खुश होता है तो जाकर किसी और को तंग नहीं करेगा या झगड़ा नहीं करेगा। तो कोई अगर झगड़ रहा है तो उसके मन में कोई शिकायत है, कोई बेचैनी है, कोई परेशानी है, तो वो जितना ज़्यादा वो व्यक्ति परेशान है वो उतना लड़ेगा। अब आपका रिस्पॉन्स टू दैट परेशानी मीन्स कि आप प्यार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप अगर झगड़ने वाले व्यक्ति के साथ भी समभाव के साथ आपके अंदर जो पीस है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ शांत हो जाती है। अब ये थोड़ा ट्रिकी है ये जो मैं बोल रही हूँ। एक ऐसे लोग होते हैं जो घर में झगड़ा नहीं हो इस वजह से शांत रहते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं कि वो शांत हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं एंड सुलझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं उस चीज के ऊपर सोचकर उस पर अमल करते हैं शांति से।
तो एक है शांत रहना ताकि झगड़ा नहीं हो, उससे तो आप अपना अशांति बढ़ा रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस लेकर आ रहे हैं। एंड दूसरा होता है कि आप उस व्यक्ति का सुन रहे हैं, आप इतना शांत हैं कि उस व्यक्ति की बेचैनी को समझ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और सुलझाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड काइंड ऑफ शांति, नॉट द फर्स्ट काइंड ऑफ शांति। आप प्यार कैसे कर पाएंगे? बाई नोइंग कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, आप अगर अपने आप को थोड़ा शांत कर पाएंगे तो सिचुएशन समझना भी आसान होगा एंड उसके बाद में आपको रिएक्ट करना भी आसान है। अगेन नॉट पॉलिटिकली इन एनी वे, जस्ट एज अ थॉट आई एम प्रेजेंटिंग दिस कि अभी कोरोना वायरस का फियर बहुत चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है, बहुत सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं। इंडिया में तो अभी इतना नहीं चालू हुआ है बट काफ़ी चालू हो गया है कि एक महीने का वीज़ा कैंसिल हो गया है वगैरह। अब ऐसे के अंदर परेशान रहना और 24 घंटे केवल उसके बारे में बात करते रहना या है तो क्या प्रिकॉशंस हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी बाकी की ज़िंदगी नॉर्मली जीते रहना। तो आप प्यार कब कर पाएंगे? जब आप हमेशा बेचैन नहीं हैं, हर नया कोई मुद्दा आया उसको लेकर एक बड़ी बेचैनी का वेव आता है। तो जितने वेव्स बेचैनी के हमारे अंदर आएंगे उतना प्यार करने की हमारी क्षमता कम होनी चाहिए। तो प्यार कर कैसे सकते हैं हम? थोड़ा शांत। अब ये शांति, हम बेचैन होते हैं, इट इज़ नॉर्मल कि एवरीडे लाइफ के अंदर वो चीज़ आती है। तो यूजुअली अगर हम थोड़ा मनन कर लें कि एग्जैक्टली किस चीज़ को लेकर मैं बेचैन हो रही हूँ, तो स्कूल पर से अगर एग्जाम्पल लें, सपोज एक टीचर है जो स्टूडेंट से बहुत प्यार करती है, उसका थोड़ा आज बुरा दिन है, अच्छे मूड में नहीं निकली है घर से, थोड़ा लेट हो गई है स्कूल पहुंचने में, प्रिंसिपल ने भी दो बात सुना दिया है, लेकिन बच्चों से प्यार करती है करके वो क्लास गई। पहले क्लास में कुछ बच्चे बात कर रहे थे, उसने बोला नहीं बेटा बात नहीं करना है, मैं लेसन पढ़वा रही हूँ, बुक पूरा करें। थर्ड पीरियड में किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था, क्यों नहीं किया? आज मैं तुम्हें नोट नहीं दे रही हूँ लेकिन मैं तुम्हें नेक्स्ट मंडे तक का टाइम देती हूँ, आप पूरा करके आना। रिसेस के अंदर उसके हस्बैंड का फ़ोन आया, वो भी बहुत गुस्से में, तुमने ये चेक डाला था वो बाउंस हो गया, पता नहीं तुम क्या करती रहती हो, यू नो व्हाट इज़ द लीगल एक्शन दैट कैन बी टेकन वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ 5-7 मिनट वहाँ पर झगड़ा हो गया। छठा पीरियड, क्योंकि अभी अभी खाना वाना खाया है तो थोड़ा सा वो शांत है। सातवें पीरियड में एक बच्चा केवल पीछे मुड़ा और रबर मांगा, इतना ही क्या? You get up, you stand up, you get out of the room. I will take you to the principal. You are always talking. बच्चे ने बेचारे सिर्फ पीछे मुड़ के रबर मांगा क्योंकि उसका शायद भूल गया है या गिर गया है। So ये क्या हुआ? कई बार हमें लगता है कि ये हुआ क्योंकि ये बच्चे सुनते ही नहीं है। That is not the interpretation. I had a bad mood and I kept tolerating through the day saying ठीक हो जाएगा, लेकिन आज का दिन ठीक ही नहीं हो रहा है। वो ठीक ही नहीं हो रहा है करके मेरा पेशेंस गया सातवें पीरियड। अब ये जो मेरा पेशेंस गया सातवें पीरियड पे, दो चीज़ें हैं। मैं मनन करके ये समझ सकती हूँ कि आज मेरा दिन इतना बुरा कैसे गया, रात को शायद कुछ बुरे सपने आए होंगे, पिछले दिन का कोई स्पिलओवर होगा, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस होगा, या सचमुच मैं टीचर के जॉब से तो तंग आ गई हूँ, मुझे और बच्चों के साथ काम करना ही नहीं है, बच्चे भी संभालो उनके माँ बाप भी संभालो, इट इज़ द वर्स्ट जॉब एवर। तो मेरे अंदर वो थोड़ा टीचर के जॉब को लेकर नेगेटिविटी अभी आ रही है या केवल थकान है एंड मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। अभी एग्जाम के टाइम चल रहे हैं, टीचर्स आर सुपर स्ट्रेस्ड एट दिस टाइम, उनको कितने क्वेश्चन पेपर्स बनाने होते हैं, कितने रिविजन्स करने होते हैं, फिर इतने पेपर्स करेक्ट करने होते हैं विद सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग, फिर रिपोर्ट कार्ड्स बनाने होते हैं, रिपोर्ट कार्ड भी बना दिया तो बना दिया, हर बच्चे के माँ बाप आके आपसे 25 सवाल पूछते हैं। आई मीन इट्स अ हाईली स्ट्रेसफुल टाइम फॉर टीचर्स, सो यू कुड जस्ट बी वेरी स्ट्रेस्ड एंड राइट नाउ आप बच्चों से प्यार करते हैं पर वो प्यार नहीं निकल कर आ पा रहा है। तो अपने आप को तो कौन अनकंडीशनली प्यार कर पाएगा जो केवल हमेशा मीठा मीठा है उसमें नहीं जाके अपने आप को परमिट करेगा कि आई कैन हैव सम बैड डेज। सो ये परमिशन ऑफ आई कैन हैव बैड डेज
दिस इज अनदर थिंग जो हमें प्यार करने के लिए थोड़ा और फ्री छोड़ती है. तो ये फ्रीडम जितना हमें मिलता है उतना प्यार करना आसान होता है. हमें फ्रीडम जितना कम महसूस होता है तो हम जैसे बोलते हैं कि फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी आती है. कई माँ बाप को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा फ्रीडम दोगे बच्चे उतने ज़्यादा बिगड़ते हैं. बट आप थोड़ा बच्चों का साथ देकर देखिए, आप जितना फ्रीडम देंगे बच्चे उतने ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा बनते हैं. अब वो फ्रीडम आप किस तरीके से देंगे, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. आप चार बार उनको सुनाएंगे आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट. अभी ब्रेक माई ट्रस्ट मतलब क्या? किसी सपोज मैं लड़की हूँ और आपने एक लड़के के साथ मुझसे सिर्फ स्कूल के बाहर खड़े होकर बात करते हुए देख लिया, यानी मैं आई ब्रोक योर ट्रस्ट. या एक दिन मैंने होमवर्क नहीं किया तो आई ब्रेक योर ट्रस्ट. या एक क्लास मैंने बंक कर दिया तो आई ब्रेक योर ट्रस्ट. या मैंने एक सिगरेट ट्राई कर लिया तो आई ब्रेक योर ट्रस्ट. मतलब कॉन्स्टेंटली अगर तुझे पता नहीं है कि ब्रेक योर ट्रस्ट कौन सी चीज से शुरू होता है तो वो प्यार कन्फ्यूज हो जाएगा. तो जितना क्लैरिटी हमारे एक्सपेक्टेशंस में होगा उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली प्यार करना आसान हो जाएगा. जितना कन्फ्यूजन हमारे एक्सपेक्टेशंस में होगा कि मेरे मम्मी पापा मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे आखिर चाहते क्या है, मेरे इन लॉज आखिर मुझसे चाहते क्या है, तो ऐसे ही ये लैक ऑफ क्लैरिटी हुआ प्यार करने का एबिलिटी खत्म. तो वो कम्युनिकेट कर पाना कि मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या चाह रहे हो, व्हाट शुड आई डू या हाउ शुड आई रिएक्ट. कि तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नाराज हो, ठीक है तुम मुझसे नाराज हो, बट व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली. फिर वो मुझे अगर हजम होता है तो फिर आई एक्सेप्ट इट. अगर नहीं होता है दैट एटलीस्ट आई हैव अ पॉइंट टू पुट फॉरवर्ड, तुम्हारी ये बात मुझे नहीं समझ में आई तो आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें अगर लगता है तुम जरूर करो, आई माइट नॉट बी एबल टू कोऑपरेट विद दैट. तो सामने वाले को भी पता है कि क्लैरिटी किस तरीके से है तो ऑटोमेटिकली वो प्यार बना रहता है. लेकिन एक्सपेक्टेशंस में जब भी कन्फ्यूजन आएगा तो प्यार कैन बिकम कन्फ्यूज. सो रिपीटिंग अगेन, सामने वाला अच्छा है या नहीं है, सामने वाला मैनिपुलेटिव है या नहीं है, सामने वाला प्यार करने लायक है या नहीं है, दैट डजंट डिसाइड वेदर आई कैन लव यू अनकंडीशनली. मैं अगर शांत हूँ, मैं अगर खुश हूँ, मैं अगर जिंदगी के ऊपर नीचे होने वाले उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट कर कर चल पाती हूँ तो अपने आप मेरे अंदर प्यार करने की वो आस्था. अगर वो आस्था नहीं है तो प्यार बिकम्स वेरी कंडीशनल. सो प्यार तो सभी करते हैं लेकिन ओ इफ यू लव मी यू आर सपोज टू सपोर्ट मी, अरे पर तुम्हारी बात सपोर्ट करने लायक नहीं है. नहीं, इफ यू लव मी यू आर सपोज टू सपोर्ट मी, जैसे ही इस तरह की सोच आ जाती है तो प्यार वहां पे कंडीशनल. कंडीशनल प्यार से प्रॉब्लम क्या आता है कि कंडीशनल प्यार सिक्योरिटी खत्म कर देता है. अनकंडीशनल प्यार से कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करेंगे, दैट रुइन्स अ चाइल्ड सिक्योरिटी. मैं फर्स्ट आऊंगा तो मम्मी पापा खुश होंगे, प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं फर्स्ट आऊंगा कि टेंथ आऊंगा कि फेल हो जाऊंगा, प्यार तो मम्मी पापा मुझसे फिर भी करते हैं. दैट विल मेक अ पर्सन फील सिक्योर. बट इफ आई फील आई हैव टू अर्न योर लव, इट रुइंस सिक्योरिटी. सो वेरी सिंपल थिंग्स, आई हैव दिस 22 ईयर ओल्ड बॉय, वो अभी आ रहा है, सिंगल चाइल्ड, वर्किंग पेरेंट्स, लविंग पेरेंट्स, थोड़ा आज के जमाने के साथ तालमेल बिठा कर चलना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बच्चे को. तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए मतलब क्या? एवरीथिंग एल्स इज वेस्ट ऑफ टाइम. वो खेलने जाओ, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम. आपकी गर्लफ्रेंड हो गई तब तो ओ माय गॉड, दैट इज द वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल. सिगरेट दारू तो खैर ओके, कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करती हूँ, बट कभी पी लिया बच्चे ने तो पी लिया, लेकिन सिगरेट दारू तो फिर तो ओ माय गॉड, मेरे को तो उसको बांध के ही घर में अब रखना पड़ेगा.
I've heard stories of parents जिन्होंने अपने TVs lock करके ऊपर रख दिए हैं 10th का बच्चे का exam है तो उनके phone को phones ले लिए हैं क्योंकि उनका 12th का exam आने वाला है. आप प्यार करते हैं बच्चे को, it is very nice. I mean, लेकिन ये प्यार जितने बंधन के साथ आए, आपके खुद के ऊपर भी, बाकी के परिवार के ऊपर भी, तो बच्चे को हर जगह ये महसूस होता है कि मेरा कोई भी काम होना हो तो प्यार का मतलब है एवरीबडी हैज टू बी ऑन अटेंशन. तो वो सिक्योर प्यार नहीं हो पाता है, वो वॉर्म नहीं हो पाता है कि उस जब भी मैं आके कल एग्जाम का टेंशन हो रहा है पर ठीक है, आई विल पुट माई हेड ऑन माई मदर्स शोल्डर एंड स्लीप. एक जो वो निश्चिंतता आनी चाहिए, वो निश्चिंतता नहीं आके बच्चा क्या सीख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका इतना बड़ा तो पहले हवा बना. तो वह हवा के अंदर माँ बाप शायद प्यार करते ही इसे कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्यार तो पहुंचा नहीं, वहां सिर्फ स्ट्रेस, परिवार के अंदर का भी स्ट्रेस और वो वाला भी स्ट्रेस पहुंचा. तो जितना स्ट्रेस बच्चे तक पहुंचता है, वो बच्चा भी प्यार करने में खुलता नहीं है, कॉन्स्टेंटली अटेंशन में रहता है. तो प्यार क्या होता है? जहां हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें. प्यार कहाँ होता है? जहाँ आपने खुद में एक इनिशिएटिव आए कि आप चाहते हैं कि आपको मेहनत करें. ये ईज आने के लिए वी आर कमिंग बैक टू क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस. जितना क्लियर एक्सपेक्टेशंस होंगे, जितना आसान है कि मैं अपने दिल की कोई भी बात आपसे बोलूं. तो एक होता है, मैं उल्टी करती रहती हूँ जब देखो तब, मेरा हस्बैंड घर आया नहीं कि मेरा बोलना चालू होता है, अरे मैं तो अपनी दिल की सारी बात बोलती हूँ. अरे गुड फॉर यू, बट बेचारा हस्बैंड तो अभी आया है ना, थका हुआ, राइट? सो एक होता है ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट कि मेरे अंदर कुछ संभाल ही नहीं सकती और मैं सिर्फ बोलती रहती हूँ, इतना क्लैरिटी होना. एक होता है सही वक्त पे सही बात किया, सिंपली ये बोल पाना कि आई रियली नीड टू टॉक टू यू, कि आज थोड़ा अपना टेंशन बाजू में रख के मेरा सुन लोगे क्या, एक घंटा वी कैन हैव दैट. सो दैट लिटिल वार्निंग देके सेइंग दैट आई नीड यू फॉर दिस, जितना ईज वहाँ पे कम्युनिकेशन में आता है कि मैं अपनी कोई भी बात ये नहीं बताऊँ ये बताऊँ, तो जितना कम आपके मन में अपने आप को लेकर छुपाने के लिए होगा, ऑटोमेटिकली आप प्यार पैदा करते हैं. द मोर यू हैव टू हाइड अबाउट योर सेल्फ, प्यार अनकंडीशनल. तो जो लोग आसानी से ऑटोबायोग्राफीज लिख पाते हैं, they are also talking about their own problems, they are also talking about people with whom they did injustice, they were confused about. तो जितना आप खुलकर वो बात करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका मन एकदम कांच के जैसा साफ होता है. तो प्यार का अगर आप देखेंगे, यूजुअली प्यार इज हैविंग अ नेचुरल एलिमेंट, सेम जल की तरह पवित्र होता है. सो दैट प्यार जितना ज़्यादा क्लियर वाटर के जैसे होगा, जितना फ्लूइड होगा, तो नदी तो ये नहीं पूछती है ना आप प्यार करने लायक हो, पानी पीने लायक हो या नहीं हो. नदी का काम है वो पानी पिलाती है, एंड वो इंसानों ने दायरे बांध दिए हैं कि ये इस नदी का पानी इस स्टेट को जाएगा, उस नदी का, सो नदी में नहीं होता है. तो प्यार को अगर हम लोग एक बहती हुई जल धारा की तरह देखें, तो प्यार आप तब कर पाते हैं जब आपका मूवमेंट होता है, व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ फ्लूइड. सो प्यार करने का तरीका ये होता है, आप जितना सेल्फ अवेयर अपने को लेकर हो पाए. प्यार करने का तरीका ये होता है कि सामने वाले को जज नहीं करते हुए आप उनको जिस तरीके से भी इंक्लूड कर सकते हैं वो चीज़ को लेकर इंक्लूड कर पाए. प्यार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि खिन जैसी कोई भावना आपके मन में नहीं हो, तो फिर प्यार करना और आसान हो जाता है. नाउ द फनी थिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट लव इज, प्यार से फ़ायदा किसका होता है? प्यार करने से, प्यार करने से मेरा अपना फ़ायदा होता है, दोनों का होता है. तो इन दैट व्हेन आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ लव इनसाइड मी, ऑटोमेटिकली आई एम सिक्योर, आई एम हैप्पी, आई एम लेसर कंफ्यूज्ड, आई एम अ लिटिल मोर ओपन
तो एक होता है इस तरीके से खुलकर सांस लेना, एक होता है कॉन्स्टेंटली इस तरीके से होना. तो जितना आप खुलकर सांस लेंगे उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू यूज एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. सो जितना मैं प्यार करूंगी उतना ज्यादा माई ओपननेस बिकम्स ईजी. माई माइंड इज ओपन, माई बॉडी इज ओपन. मैं हमेशा किसी और को लेके गलत भाव से कंफ्यूज होके इरिटेट होके नहीं डील कर रही हूँ. तो आई ओपन अप क्वाइट अ लॉट एंड उस ओपननेस में कभी अगर मेरा दिल किसी और को छू जाता है तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के लिए भी दैट एंड्स अप बिकमिंग अ वेरी सूदिंग ब्रीज. सो अनदर वे टू लव इज टू ट्रस्ट. आप जितना ट्रस्ट करेंगे उतना ऑटोमेटिकली प्यार आपके अंदर से निकल कर आएगा. नाउ दिस इज अ वेरी फनी थिंग व्हेन आई टॉक अबाउट इट. ट्रस्ट लाइक दुनिया है ही नहीं. फिर आई एग्री कि बहुत कुछ गलत होता है दुनिया के अंदर, लेकिन ट्रस्ट अपने आप में अगर आप एक इनोसेंट व्यक्ति के जैसे देखेंगे तो इट हैज इट्स ओन गट फील. कैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गोदी में बहुत आसानी से चले जाते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी गोदी में इतना आसानी से नहीं जाते. बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, वो जाना ही नहीं चाहते. तो एक गट होता है हमारा ऑन आर एबिलिटी टू ट्रस्ट समबडी. सो जितना आप, दुनिया अच्छी है उसमें कुछ लोग बुरे हैं, इस तरीके से दुनिया को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली किस पर किस चीज का ट्रस्ट नहीं करना है वो आपको समझ में आ जाएगा. हर व्यक्ति पूरी तरीके से नॉन ट्रस्टवर्दी नहीं होता है. तो कुछ लोग पैसे को लेकर हेर फेर कर सकते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी को लेकर कि आप अपने बच्चों को उनके आसपास नहीं छोड़ सकते हैं तो वो सिक्योरिटी को लेकर हेर फेर कर सकते हैं, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं. डज नॉट मीन 100% दे आर नॉन ट्रस्टवर्दी. कुछ चीज़ें हैं कि पैसे के मामले में इसके साथ करो ना तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी इट इज नाइस. ही मे बी गुड इन अदर. यस, सो देयर कुड बी अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन इन दैट एवेन्यू. तो जितना आप अपने गट इंस्टिंक्ट को थोड़ा खोलकर दुनिया को ट्रस्ट करने जाएंगे तो आसान हो जाता है टू बी एबल टू लिव इन द वर्ल्ड. जितना कॉन्शियसली कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी के लिए आप भागते हैं, जैसे ये अगेन मेरा भाव है, नथिंग अगेंस्ट द आइडिया, लेकिन मैं बहुत स्कूल्स में जहाँ क्लासेस वगैरह करती हूँ, I don't like the feeling of a CCTV camera. Not because I don't want to be watched. You watch, no. मेरे को कोई problem नहीं है, मैं वहाँ पे भी ऐसे ही बैठ के बात करती हूँ. लेकिन the fact कि constantly आप मेरे पे नजर रखना चाहते हैं, constantly एक principal teachers पे नजर रखना चाहती है. नहीं, but inside से होता है CCTV. Classroom. Class के अंदर. Classroom first से नहीं है. तो कॉन्स्टेंटली आप पेरेंट्स को एक्सेस दे रहे हैं कि आपको जब चाहिए देखो, हम बच्चों को डांटते नहीं हैं, आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर देख सकते हैं. द फ्रीडम दैट अ टीचर नीड्स टू हैव टू बी एबल टू लव द चाइल्ड. अब लविंग के अंदर कई बार थोड़ा स्कोल्डिंग भी होता है ना. आप कॉन्स्टेंटली केवल उसको ललो चपो नहीं कर सकते. आप 40 बच्चे संभाल रहे हैं तो उसमें आपने जरा से जोर से आवाज में आके कुछ बोल दिया. सो टीचर्स आर अंडर सो मच स्ट्रेस टुडे बिकॉज यू हैव अ कॉन्स्टेंट वॉच. तो ठीक है, आपके बच्चे सिक्योर हैं, वो आपको दिख रहा है, लेकिन ना आप ट्रस्ट करना सीख रहे हैं ना आप अपने बच्चों को ट्रस्ट करना सिखा रहे हैं. कॉन्स्टेंटली एक सर्वेलेंस के अंदर रहने की जो आदत है, दैट इज डेंजरस. उससे ट्रस्ट नहीं आएगा. एंड जब ट्रस्ट नहीं आएगा तो व्हाट इज द सैड पार्ट इज प्यार करना भी नहीं आएगा. बहुत जरूरी है हमको विश्वास. बहुत ज़रूरी है कि हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो एहसान नहीं फील करें, अरे मैं इतना करता हूँ. सो लव इज समथिंग दैट कैन ओनली बी कमांडेड, इट कैन नॉट बी डिमांडेड. मैंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे लिए इतना किया है तो तुम्हें इतना करना चाहिए, या मैं दिन भर घर में खटती हूँ तो तुम्हें मुझे प्यार करना चाहिए, या मैं दिन भर ऑफिस में खटता हूँ तो मेरे लिए कमाता हूँ तो तुम्हें मुझे प्यार करना चाहिए. तो प्यार कैन नॉट कम विद दैट. आप कितना मुस्कुरा के उसके साथ बैठते हैं,
आप कितना खुश हो लेते हैं उसके आसपास, आप कितना उसके लिए करने की रियली चाहत रखते हैं, रादर देन कॉन्स्टेंटली ये फील करते हैं मैं कितना कर रही हूँ या मैं कितना कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली प्यार का भाव उतर आता है. सो आई डोंट फील दैट देर इज एनी पर्टिकुलर मेथड इन विच वी कैन लव. वी कैन जस्ट हैव एन ओपन हार्ट एंड द मोर ओपन योर हार्ट यू लव. That is what I have for you today. Thank you. Thank you.